हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में जानेंगे कि हम किसी भी आईफोन के अंदर ऐप लॉक किस तरह से कर सकते हैं। गाइस, जैसे कि देख पा रहे हैं मेरे पास है आईफोन 7, तो आज हम इसी में जितनी भी एप्लीकेशन है इन सब पे ऐप लॉक लगाकर दिखाने वाले हैं। तो गाइस, वैसे तो आईफोन के अंदर ऐसी कोई एप्लीकेशन पीछे से प्री बिल्ड नहीं आती है जिससे कि आप जो है अपने आईफोन के अंदर किसी भी एप्लीकेशन को लॉक कर सके। वहीं आईफोन में आपको एक फीचर ऐसा मिलता है जिसके थ्रू आप जो है किसी भी एप्लीकेशन को जो है लॉक कर सकते हैं और अनलॉक कर सकते हैं। गाइस, ये फीचर्स आपको सभी आईफोन के अंदर देखने को मिलेगा। जितने भी 6 से ऊपर के मॉडल हैं तो ये सभी चीजें आपको उसमें देखने को मिलेगी। तो गाइस, करते हैं वीडियो को शुरू, बट उससे पहले आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब। तो गाइस, यहां पे मैं जितने भी स्टेप बताने वाला हूं आप उन स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो आईफोन की अपनी मेन सेटिंग्स में जाना है, तो मैं यहां पे सेटिंग पे जो है क्लिक कर लेता हूं। जैसे ही सेटिंग में जाएंगे तो यहां पे काफी सारे ऑप्शन यहां पे आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पे आपको एक स्क्रीन का ऑप्शन दिखेगा, स्क्रीन टाइम देख सकते हैं, यहां पे आप देख सकते हैं स्क्रीन टाइम पे आपको क्लिक करना है। जिसके बाद यहाँ पे आपको और ऑप्शन देखने को मिलेंगे और सेकंड नंबर पे आपको ऐप लिमिट का ऑप्शन है, तो आपको इस पे सिंपली जो है क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ऐड लिमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सभी तरह की कैटेगरीज यहाँ पे शो हो जाएंगे, जैसे कि आर्ट है, सोशल है, गेम है, एंटरटेनमेंट है, क्रिएटिव है, इन सभी के अंदर आपको पता है कि एप्लीकेशन है। जिस भी एप्लीकेशन पे आपको लॉक लगाना है उसको आप यहाँ से जो है सिंपली सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फोल्डर वाइज सभी एप्लीकेशन आ गई हैं, तो इस तरह से ऑल सिलेक्ट पे भी कर सकते हैं या अदरवाइज आप एक एक एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ सोशल मीडिया की एप्लीकेशन है उन पे जो यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से जो है कोई भी एप्लीकेशन को चॉइस कर सकते हैं। यहाँ आपको मैं एग्जांपल दिखाने वाला हूँ केवल। उसके बाद आपको जो है ऊपर की तरफ एक नेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पे शो होगा, तो आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको टाइमिंग मांगेगा कि आप एप्लीकेशन की जो लिमिट है उसको जो ऐप लॉक है वो कितनी देर तक रखना चाहेंगे, तो मैं यहाँ पे सिंपली जो है 1 मिनट कर देता हूँ। आप अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं। तो हमारी जो यहाँ पे ऐप लॉक जो है लग गई है, सभी एप्लीकेशन हमारी लॉक हो गई हैं। तो आप जैसे ही होम स्क्रीन पर आएंगे तो आप देख सकते हो जो हमने व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे इन सभी पर जो है ऐप लॉक लगाया, तो आप देख सकते हो थोड़ी जो हल्के कलर में हो गई हैं। जैसे ही हम इन पे क्लिक करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम पे क्लिक करता हूँ तो टाइम लिमिट आ जाती है। उसके बाद जैसे ही आपको खोलना है तो नीचे आपको इग्नोर लिमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको टाइम के कुछ ऑप्शन शो हो जाएंगे, तो आप वन मोर पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद जो आपकी एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगी जिसमें भी हमने ऐप लॉक लगाया है। इस तरह से जो है हम सभी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक और एप्लीकेशन ओपन करके दिखा देता हूँ, तो उस पर ही जाना है आपको, वन मोर पर क्लिक करना है और आपकी एप्लीकेशन जो है फिर से जो है ओपन हो जाएगी। गाइस, में टाइम आप अपने हिसाब से कितना भी रख सकते हैं, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, जो भी हिसाब से टाइम लिमिट चॉइस कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे ऑप्शन मुझे आईफोन के अंदर लगा, तो आप इस तरीके को अपना सकते हैं। गाइस, इसमें आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। और गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।